आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका टाइटल है सेविंग द टाइगर। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड को, जिसमें टाइगर्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि टाइगर तभी ज़्यादा खतरनाक होता है जब वह घायल हो या फिर मैन ईटर यानी आदमखोर हो। तो टाइगर घायल होने या आदमखोर होने के को छोड़कर कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। कभी कभी टाइगर अपने कब्स यानी अपने बच्चों के बहुत करीब आने या शिकार की रखवाली में दखलंदाजी करने पर आपत्ति जताती हैं। यह आपत्ति हमेशा गुर्राने के रूप में होती है, और अगर यह कारगर साबित नहीं होती तो इसके बाद वे छोटी छोटी छलांग लगाते हुए भयानक तरीके से दहाड़ते हैं। अगर इन चेतावनियों को अनदेखा किया जाए तो किसी भी चोट के लिए पूरी तरह से घुसपैठिए को ही दोषी ठहराया जाता है। ये जिम कॉर्बेट के अपने विचार हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। राइटर जो इस चैप्टर के राइटर है या नरेटर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 19 साल का था जब मैंने जंगल में पहली बार टाइगर को देखा। ये बिल्कुल वैसा ही रोमांचकारी था जैसा मैंने कल्पना की थी। मैं मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में था, जहाँ मैं एक छोटे पालतू हाथी पर सवार था जो मुश्किल से 6 फीट लंबा था। यहाँ हाथी और उसके साथ कम उम्र के महावत को बड़े हाथियों पर सवार अनुभवी एक्सपीरियंस ट्रैकर्स द्वारा टाइगर्स के बारे में पता लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यानी यहाँ पर एक हाथी था, एक हाथी पर एक छोटा लड़का सवार था, उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरीके से टाइगर्स की पहचान की जाती है कि टाइगर किस तरफ है। जब हाथी घने बांस के बड़े बीच खड़ी ढलान पर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था तो मैं उस छोटे लड़के महावत के पीछे बैठ गया और रस्सी को पकड़कर लटक गया। अचानक मेरी आंखों को एक ऑरेंज यानी नारंगी रंग की एक झलक दिखाई दी। वहां पतले रास्ते के किनारे एक सुंदर टाइगर बैठा था। एक दिल को थाम लेने वाला पल के लिए हमारी आंखें एक दूसरे से जाकर आश्चर्य में मिली। टाइगर इतना करीब था कि वह आसानी से हमारे हाथी पर कूद सकता था और हमें नीचे खींच सकता था, लेकिन वह वहाँ बस शांत बैठा रहा। बड़ी उत्सुकता से वह हमारी ओर देखता रहा। फिर जैसे ही मेरा हाथी ढलान की चोटी पर चढ़ गया तो वह धारीदार बिल्ली यानी वह टाइगर नज़र से गायब हो गई। कई दशकों पहले से उस दिन से लेकर अब तक यानी उस समय से लेकर अब तक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर के रूप में मैंने अपने करियर के दौरान मैंने जंगली टाइगर के साथ कई नज़दीकी मुलाकातें की, लेकिन वह पहली झलक हमेशा मेरे लिए खास रहेगी। हालांकि टाइगर हमारे राष्ट्रीय पशु का दर्जा रखता है, फिर भी यह बहुत ही संकट में है और हमारे जंगलों में केवल लगभग 3000 टाइगर ही बचे हैं। टाइगर एक्सपर्ट डॉक्टर के उल्लास करंत के अनुसार भारत के जंगल आसानी से 7000 और टाइगर्स को पाल सकते हैं, और अगर हम सही कदम उठाएं। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि टाइगर्स को जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, उन्हें क्या चाहिए, और उन खतरों को दूर करने की जरूरत उन खतरों को दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे जिनका ये टाइगर सामना करते हैं। हम में से ज़्यादातर तो लोग जानते हैं कि टाइगर्स का अवैध शिकार एक बहुत बड़ा खतरा है। टाइगर का हर अंग, चाहे वह उसकी खाल हो, हड्डी हो या शरीर के अंग हो, चीन और साउथ एशिया के कुछ हिस्सों में इनकी काफ़ी मांग है। जहाँ खाल का इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है, और वहीं हड्डियों और शरीर के अंगों का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं की सामग्री के रूप में किया जाता है, यानी इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। हालांकि बीमारियों के इलाज में टाइगर्स के अंग असरदार होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, फिर भी गहरी जमी हुई जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनके कारण इनकी मांग बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर दूसरे एशिया देशों में टाइगर्स के विलुप्त होने के साथ भारत के जो नेशनल पार्क और सेंचुरी हैं शिकारियों के लिए एक मुख्य लक्ष्य बन गए हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि भारत के नेशनल पार्क और सेंचुरीज शिकारों के लिए एक मुख्य लक्ष्य बन गए हैं? क्योंकि दूसरी जगहों पर टाइगर्स खत्म हो चुके हैं, अब जो टाइगर्स हैं वो इन्हीं जगहों पर सुरक्षित बचे हुए हैं, तो शिकारी जो हैं इन्हीं जगहों पर अब अपना निशाना बना रहे हैं। अब दूसरे कारण जो टाइगर की संख्या पर बहुत ही असर डालते हैं वह है
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी उनके रहने की जगह का विनाश हो जाना, और दूसरा है पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स यानी शिकारी जानवरों का गलत तरीके से शिकार करना। यहां सैकड़ों साल पहले भारत के अधिकांश हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और देश भर में हजारों टाइगर्स घूमते थे, लेकिन जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ी और खेतीबाड़ी का विस्तार हुआ, जंगलों को इस हद तक काटा गया कि आज टाइगर मुख्य रूप से उन हरे द्वीप में ही सिमट कर रह गए हैं जिन्हें हम सिर्फ नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज कहते हैं। एक और खतरा जो अक्सर अनदेखा रह जाता है वह यह है कि हमारे नेचुरल रिजर्वर्स में और उनके आसपास रहने वाले लोगों द्वारा शिकारी जानवरों का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार होता है। अब देखिए नेचुरल रिजर्वर्स क्या है। नेचुरल रिजर्वर्स वो जगह हैं जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है जिससे कि उनका शिकार ना हो, फिर भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं आसपास के लोग इनका फिर भी शिकार कर रहे हैं। तो यही बात इसमें कही गई है कि एक और खतरा ऐसा है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है कि हमारे जो नेचुरल रिजर्वर्स हैं उनके आसपास रहने वाले लोग इन जानवरों का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार करती हैं। जाल, बंदूक, तीर, जहर, इनके साथ साथ अलग अलग तरीके का उपयोग करके बड़ी संख्या में हिरण और दूसरे जानवरों का अवैध तरीके से शिकार किया जाता है। जब जंगल में इस तरीके के शिकार के जानवरों की कमी हो जाती है तो इसका सीधा असर टाइगर्स की संख्या पर पड़ता है, यानी जैसे अगर हिरण, खरगोश ये जानवर मर ही जाएंगे तो इससे सीधा असर टाइगर्स पर ही पड़ेगा ना। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल है कि एक टाइग्रेस जो शिकार के भरपूर जंगल में अपने चार बच्चों को पाल सकती है, वह उसी जंगल में जहां शिकार की कमी हो जाए तो अब अपने एक बच्चे को भी सही से पाल नहीं सकेगी। अगर जंगल में नए टाइगर नहीं आए और जो टाइगर वहां है उनके शिकार होता रहे और किसी प्राकृतिक कारणों से जैसे टेरिटोरियल फाइट। अब देखिए टेरिटोरियल फाइट क्या होती है। टेरिटोरियल फाइट होती है कि जानवर अपनी इलाके की रक्षा के लिए दूसरे जानवरों से लड़ाई करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जंगल में नए टाइगर नहीं आए और जो टाइगर वहाँ पर पहले से रह रहे हैं उनका शिकार हो जाए या फिर कोई प्राकृतिक कारण जैसे टेरिटोरियल फाइट हो या फिर बुढ़ापे के कारण वहाँ के जो टाइगर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, तो जल्द ही टाइगर्स की जो प्रजातियाँ हैं वो जल्द ही विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी ही बहुत सी एग्जाम्पल्स हमारे कुछ रिजर्वर्स में देखे जा चुकी हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे इन टाइगर्स की जो हालात है वो बहुत ही निराशजनक है? बिल्कुल नहीं। हमारे कुछ रिजर्वों में जैसे असम के काजीरंगा, उत्तराखंड के कॉर्बेट और कर्नाटक में नागरहोल अपने अच्छे बचाव के उपयोगों के नतीजे को देखा गया है कि मतलब उन्होंने इन जगहों पर बहुत ही अच्छे बचाव के उपयोग इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका परिणाम ये देखा गया कि वहाँ की जो टाइगर्स की आबादी है उसमें बड़ी ही अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हुई है, बड़ी अच्छी तरीके से वृद्धि हुई है। हालांकि इन रिजर्वर्स में भी अवैध शिकार पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और कभी ख़त्म भी नहीं हो सकता, लेकिन हर साल इनकी जनसंख्या में जुड़ने वाले जो कब्स हैं यानी उनके बच्चों की संख्या शिकारियों की शिकार बनने वाले टाइगर्स की संख्या से कहीं अधिक है। कहने का मतलब है कि जितने टाइगर्स का शिकार किया जाता है इन रिजर्वर्स में उससे ज़्यादा बच्चे जो है उनकी जगह ले लेते हैं, तो मतलब कि संख्या जो है बैलेंस होकर रहती है। टाइगर्स की शिकार भी हो जाता है वहाँ पर फिर भी उनकी जगह पर जो नए टाइगर्स है यानी नए बच्चे वो जन्म ले लेते हैं, तो इस तरीके से संख्या वहाँ पर नियंत्रण में है। फिर लिखा है कि इन रिजर्वों और उनके जैसे कुछ दूसरों में जंगल के अंदर और किनारों पर एंटी पोचिंग यानी शिकार विरोधी कैंप होते हैं जहां 24 घंटे फॉरेस्ट गार्ड तैनात रहते हैं, जबकि कुछ गार्ड कैंप में रहकर उनकी देखभाल करते हैं तो दूसरी तरफ दूसरे पैदल जंगल में गश्त लगाते हैं, यानी जंगलों में घूम घूम कर ये देखते हैं कि कहीं कुछ गलत गतिविधि तो नहीं हो रही, कोई इल्लीगल काम तो नहीं हो रहा जंगल के अंदर। तो ये पैदल गश्त जंगल के शिकारियों द्वारा चारों ओर बिछाए गए जालों और फंदों का पता लगाने के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे लिखा है कि भारत में वाइल्ड लाइफ से जुड़े बेहतरीन कानून हैं,
जो जंगली जानवरों को लगभग सभी प्रजातियों को मारने से रोकते हैं। समस्या यही है कि कई मामलों में कानूनों को पूरी लगन से लागू नहीं किया जाता, क्योंकि कई राज्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं मानते। हालांकि हाथी के दांत, गैंडे के सींग और टाइगर की खाल और हड्डियां और शरीर के अलग अलग अंग, ये जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट अभी भी अवैध व्यापार, इनका अवैध व्यापार होता है। तो इसे देखते हुए हमारे जंगली जानवरों को तभी बचाया जा सकता है जब हमारे वाइल्ड लाइफ रिजर्वर्स की सुरक्षा के लिए बड़े ही कदम उठाए जाएं। हर एक राज्य में वन विभाग के लिए स्थानीय लोगों के साथ दोस्ताना तालमेल रखना बहुत ही जरूरी है और साथ में उन्हें सुरक्षा गतिविधियों में शामिल करना भी जरूरी है। लिखा है कि हर एक राज्य में जो वन विभाग है उनके लिए जो गांव के जो लोग हैं उनके साथ दोस्ताना तालमेल रखना बहुत जरूरी है और उन्हें इन सुरक्षा गतिविधियों में भी शामिल करना जरूरी है, क्योंकि यही गांव के जो अच्छे लोग हैं ये जानकारी देती हैं शिकारियों की और इनकी मदद से शिकारियों को पकड़ना बहुत ही आसान बन जाता है। जंगली जानवरों की रक्षा करना एक मुश्किल काम है जो तभी सफल हो सकता है जब सरकार और लोग मिलकर काम करें। यह सहयोग जरूरी है क्योंकि भारत के जंगली जानवर अब हम सबकी धरोहर है। टाइगर एक हाईली एडेप्टेबल प्रजाति है। कहने का मतलब है कि टाइगर एक ऐसा जानवर है जो अलग अलग तरह की प्राकृतिक स्थानों और मौसम में भी अच्छी तरीके से फल फूल सकता है, अच्छी तरीके से रह सकता है। अब हमें बस इतना करना है कि टाइगर के लिए एक शांत जगह और खाने के लिए पर्याप्त भोजन या फिर पर्याप्त शिकार देने की जरूरत है। बाकी का काम प्रकृति खुद कर देगी। अच्छी बात यह है कि टाइगर्स को बचाने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों से टाइगर्स के आसपास के रहने वाले सभी जानवर को भी लाभ मिलता है और टाइगर के ठिकानों को बचाने से भी हमें भी लाभ है, जानवरों को भी लाभ है और हमें भी लाभ है, क्योंकि 300 से अधिक नदियां उन जंगलों से निकलती हैं जहां पर टाइगर के नाम पर उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। इन नदियों के बिना हमारी अपनी प्यास नहीं बुझ पाएगी और ना ही हम भोजन के लिए फसल उगा पाएंगे। पूरी दुनिया में भारत को टाइगर की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगर हमारे देश का यह शानदार जीवित खजाना हमारे लिए गायब हो जाए, हमेशा के लिए हमारे यहाँ से गायब हो जाए, तो हमारा ये ग्रह एक गरीब स्थान बन जाएगा। टाइगर को बचाना पूरी तरह से हमारे हाथ में है और हम ये कर सकते हैं। तो चैप्टर इतना छोटा सा था, उम्मीद है आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जिसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।